لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك. हज़रात ग्राम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की 10वीं तारीख की यह शब है और यह शब आलम इस्लाम के लिए एक मुसीबत की शब है, जिसमें मलिकतुल अरब और पैगंबर इस्लाम के मुआविन और मददगार, दुनिया अरब के सबसे ज़्यादा साहिब सरवत और दौलत खातून जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात है। लिहाजा इस सिलसिले में मैं आप तमामी हजरात की खदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। आज की दुआ हैं तो वही चार पांच जुमले इस दुआ में भी, मगर इसकी गुफ्तगु ज़रा तोलानी है। कोशिश करेंगे बहुत इख्तसार के साथ आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ की जाए बातें। पहले ही फ़िक्रा मासूम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म जालनी फ़ीह मिनल मुतवक्किलीना अलैक। अरे अल्लाह, इस रोज़ में तू अपने आप के ऊपर हमें तवक्कुल करने वाला और भरोसा करने वाला करार देना, अपनी ज़ात के ऊपर हमें भरोसा करने वाला करार देना। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर ये हुनर है इंसान का, ये कमाल है बंदे का कि वो जिए तो आम जिंदगी, मगर उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर। ये इंसान के कमाल की बात है कि वो अल्लाह पर इस तरह भरोसा रखता हो कि जैसे उसे किसी और से गरज और मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तवक्कुल के मानी क्या हैं, या आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी अर्ज कर दें। रवायत में है कि जनाब जबराइल अलैहिस्सलाम एक दिन पैगंबर इस्लाम की खिदमत बाबरकत में आते हैं और जनाब पैगंबर इस्लाम जनाब जबराइल से दरियाफ्त करते हैं कि जबराइल, ये बताओ कि तवक्कुल क्या है, ये बताओ कि तवक्कुल क्या है। जनाब जबराइल ने जवाब दिया कि इंसान अपने सारे नफ़ा और नुकसान में, सारी बख्शिश और महरूमियत में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर भरोसा करता हो और गैर अस खुदा यानी खुदा के अलावा किसी से उम्मीद भी ना लगाता हो। और खुदा के अलावा किसी से क्या है, अपनी जजा का तलबगार भी ना हो, यह है तवक्कुल। क्या वाकई ऐसा है कि बंदा जो है वो क्या है, सिवाय खुदा से किसी से तलबगार नहीं है जजा का, या उम्मीद नहीं करता है खुदा के अलावा किसी से, या अपने नफा नुकसान को खुदा के ऊपर छोड़ देता है और सिर्फ खुदा के ऊपर?
एक रवायत और सुन लीजिए, सिलसिले में जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मौला ये बताइए कि तवक्कुल क्या है। तो मौला ने फरमाया कि अल्लाह तखफ मा अल्लाह अहद, फरमाया कि तवक्कुल ये है कि खुदा के अलावा किसी से खौफ ना करो, खुदा के अलावा किसी से न डरे इंसान, यही है तवक्कुल, यही है अल्लाह पर भरोसा। ठीक है, हकीकत भी यही है कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी से न डरे, इंसान अल्लाह के अलावा जो है किसी से खौफ न खाए। अब एक दिलचस्प वाक्य सुन लीजिए इस सिलसिले में और तवक्कुल का मफहूम भी वाज़ह हो जाए। वाक्य यह है, रवायत यह है कि एक शख्स जो है वो जनाब सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत बबरकत में आता है और कहता है कि मौला मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, मैं मकरूज हूं और इतना कर्ज है कि मैं उस कर्ज को अदा भी नहीं कर पा रहा हूं। सोचा ऐसे आदमी के पास चला जाए कि जो रहीम हो, जो करीम हो, जो बख्शिश करने वाला हो, जो सखावत करने वाला हो, सखी हो, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता था, आपसे ज्यादा कौन करीम हो सकता था, आपसे ज्यादा जो है वो कौन सखी हो सकता था। आपकी खिदमत में आ गए हैं, उम्मीद है कि आप ही हमारे कर्ज को अदा करें। अब यहां गौर से सुनिए, यहां से जनाब सरकार सैयदुश्शुहदा ने फरमाया कि ठीक है, हम तुम्हारे सारे कर्जे अदा कर देंगे मगर एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? हम तुमसे तीन सवाल करेंगे। और से सुनिए नौजवान और जवान, हम तुमसे तीन सवाल करेंगे, अगर तुमने तीनों में से एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो हम तुम्हारे कर्जे का तीन हिस्सों में से एक हिस्सा अदा कर देंगे, यानी 1/3। और अगर तुमने हमारे तीन सवालों में से दो सवाल के जवाब सही दे दिए तो हम तुम्हारे कर्जे को तीन हिस्सों में से दो हिस्सा अदा कर देंगे, और अगर तुमने तीनों सवालों के जवाब सही दे दिए तो हम तुम्हारा जो है वो सारे का सारा कर्जा अदा कर देंगे, सारे कर्जे तुम्हारे अदा कर देंगे। उसने कहा ठीक है मौला। अलबत्ते ये उसने कहा कि जो है वो हमारी क्या मजाल है कि हम आपके सवालों का जवाब दें। इमाम ने फरमाया कि एक रास्ता है कि जो है वो तुम अपने कर्जे को अदा कर सकते हो। चुनांचे इमाम ने सवाल किया, इमाम ने पहला सवाल ये किया कि बताओ कि आलम में बेहतरीन चीज क्या है, बेहतरीन चीज दुनिया में क्या है। उन्होंने कहा साहब दुनिया में बेहतरीन चीज जो है वो अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह पर ईमान और आप हजरात की जात के ऊपर ईमान, ये बेहतरीन चीज है। ठीक है, बेहतरीन चीज क्या, पहला सवाल। इमाम ने दरिया फरमाया कि बेहतरीन चीज क्या है दुनिया में, कहा जो है वो आपके अल्लाह के ऊपर ईमान, आपके जद के ऊपर ईमान और क्या है आपकी आल के ऊपर ईमान, ये बेहतरीन चीज है। इमाम ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे एक हिस्सा जो है वो कर्जे का समझ लो कि अदा हो गया। फिर इमाम ने दूसरा सवाल किया, बताओ जो है वो इंसान की जीनत क्या है। है ना, हर आदमी का अपनी मसलन जो है वो जीनत होती है, हर आदमी का अपना वक़ार होता है, हैसियत होती है, हर आदमी की खूबसूरती होती है। इमाम ने कहा कि ये बताओ कि इंसान की जीनत क्या है। तो उसने कहा मौला अलग अलग इंसान की अलग अलग जीनत है। उसने खुद ही जो है वो क्या है एक्सप्लेन भी किया, कहता मौला सबकी अलग अलग जीनत है। उसने कहा जो है वो आलिम की जीनत क्या है, उसका हिल्म है। और से सुनिए, आलिम की जीनत उसका हिल्म है, हिल्म इल्म नहीं हिल्म। रवायतों में है कि इल्म जो है वो बगैर हिल्म के मुफीद नहीं है, कारामद नहीं है। जिस तरह से इल्म बगैर अमल के कारामद नहीं, उसी तरीके से इल्म बगैर हिल्म और बर्दाश्त के क्या है मुफीद नहीं है। कहा जो है वो मौला आलिम की जीनत जो है उसका हिल्म है, उसका बर्दाश्त है, तहम्मुल करना है, सब्र करना है।
ठीक है। अलबत्ता गुस्सा करने के सिलसिले में बहुत सारी जगहों पर है कि जहां मुनासिब भी है गुस्सा करना, जहां गुस्सा करना जो है वो शराफत की भी दलील है, वो एक अलग मौजू है। लेकिन उसने कहा मौला, जब आलिम का जब आलिम की जीनत यह है कि वो हलीम हो, हिल्म करने वाला हो, सब्र करने वाला हो, बर्दाश्त करने वाला हो। सर्वतमंद की जीनत, दौलत वालों की जीनत मौला बख्शिश है। वो लोग की जो दौलतमंद हैं, रईस हैं, पैसे वाले लोग हैं, साहिब हैसियत है, उसने कहा कि उनकी जीनत क्या है कि वो लोगों की मदद करें, अपनी दौलत से बख्शिश करें, लोगों को दादो दहेज से नवाजते रहें, देते रहें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कहा जाए वो सर्वतमंद और दौलत और अमीर तरीन लोगों की जो है वो जीनत क्या है, लोगों को देना, उनकी हाजात को पूरी करना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, ये उनकी जीनत है। और फकीर अगर कोई है तो उसकी जीनत क्या है, सब्र है। क्या फकीरों की जीनत क्या है, सब्र है। इमाम ने दरियाफ्त किया कि अगर ये ना हो तो क्या करें। तीसरा सवाल इमाम ने कहा कि अगर ये ना हो तो क्या हो। ऐसा अगर जो है वो आलिम के अंदर जो हिल्म ना हो, अमीर के अंदर जो है वो बख्शिश और सखावत ना हो, और फकीर के अंदर सब्र ना हो तो क्या हो। तो उसने कहा मौला जो है वो अगर ये चीज़ें जो है वो इंसान में न पाई जाती हों, गौर से सुनिएगा, तो कहा ऐसे शख्स के ऊपर आसमान से अल्लाह जो है वो बिजली गिराए और वो बिजली जो है वो ऐसे इंसान को तबाह कर दे, उसे जीने का अख्तियार नहीं है। गौर फरमाए आपने, दो बातें इस वाक्य से निकल कर आती हैं। एक तो यह कि तवक्कुल के सिलसिले में जो है वो एक तशरीह हो गई अल्लाह पे भरोसे के सिलसिले में। दूसरा क्या है, दो और अहम बातें निकल के आती। पहली बात तो यह है कि ऐसा शख्स के जिसके अंदर ये खसूसियात ना पाई जाती हो, यानी अगर जो है वो आलिम हो और सबूर ना हो, सब्र करने वाला ना हो, हिल्म और बर्दाश्त रखने वाला ना हो, तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। अगर अमीर है, दौलतमंद है, पैसे वाला, और किसी गरीब की मदद ना करता हो, मुश्किल को हल ना करता हो, उसकी हाजत रवाई ना करता हो, और जो है मसलन उसकी अहवाल पुरसी ना करता हो, उसकी कुमक ना करता हो, मदद ना करता हो, तो उसे भी जीने का हक नहीं है। अगर फकीर है और वो सब्र ना करता हो अपने फकर के ऊपर, अपने फाके के ऊपर, तो उसे भी जीने का हक नहीं है। और इससे ज्यादा जो अहम बात इस पूरे वाक्य से निकल करके आती है वो ये है कि सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये है कि जब भी आप किसी की मदद करना चाहें तो उससे इल्मी सवाल करें, उससे दीन के बारे में पूछें, उससे शरीयत के बारे में पूछें, उससे इस्लाम के बारे में पूछें, उससे फ़िक्ह के बारे में सवाल करें, उससे दीनियात से मुतालिक सवाल कीजिए कि उसे कुछ आता भी है नहीं आता है। और इमाम ने शुरू में ही कह दिया था कि जो है वो अगर तुम एक सवाल का जवाब सही दोगे तो हम तुम्हारी जो है वो क्या है, एक हिस्सा जो रकम है वो कर्ज के अदा कर देंगे। दो जो है वो सवालों के जवाब सही दोगे तो हिस्सा कर्ज अदा कर देंगे, और अगर तीनों सवालों के जवाब तुमने सही दे दिए तो हम तुम्हारे सारे कर्जे को अदा कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि सीरत सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये है कि अगर किसी को कुछ दो, कोई मांगने आए, तो उससे जो है वो क्या है, ये पूछो भी कि उसे दीन के बारे में कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, शरीयत के बारे में उसे कुछ मालूम है या नहीं मालूम है, अहकाम के बारे में उसे मालूम है या नहीं मालूम है, दिनियात जानता है या नहीं जानता है, दीन के कवानीन जानता है या नहीं जानता है। जितना जानता होगा उसी हिसाब से उसकी मदद की जाएगी। गौर से सुनिए, जितना उससे दीन के बारे में सवाल किया जाए, जितना जो है उसके पास दीन के बारे में इल्म हो, उसी मकदार में क्या उसकी मदद भी की जाएगी। अल एहसान वाला कदर मारिफत है, इंसान के मारिफत के बना पर, मारिफत की मकदार पर जब इंसान के ऊपर एहसान किया जाएगा, यानी इसका मतलब है कि मुस्तहक होना जो है वो क्या है, इंसान के मारिफत से साबित होगा कि ये इंसान जो है वो मदद का मुस्तहक है या नहीं है, ये इंसान जो है वो हाजत रवाई का इस्तेहकाक रखता है नहीं रखता, इसकी मदद की जाए नहीं की जाए, तो उसके मारिफत के बना पर, उसके इल्म के बना पर, उसका इल्म जितना को उस हिसाब से उसकी मदद की जानी चाहिए। ना ये कि जो है वो साहब रिश्तेदार है और पार्टी वाला है और अपना जो है वो
मसलन चापलूस है, और हमारी जो है मसलन खुशामद करता है, हमारे जो है वो क्या है आगे पीछे दौड़ता है, तो हम मुस्तहक हो या ना हो, है ना, दीन के बारे में कुछ जानता हो या ना जानता हो, मगर हम उसकी मदद करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वाक्य से सबसे बेहतरीन नुकता यही सामने निकल कर आता है कि जो है वो हर इंसान की मारफत के अंदाज से उसकी जो है वो क्या है मदद होनी चाहिए। जितना उसके पास इल्म होगा, जितनी उसके पास मारफत होगी, उतनी क्या है उसकी मदद की जाएगी। दीन के बारे में जितना उसकी जो है वो नॉलेज होगी, जितना उसका इल्म होगा, उसी हिसाब से क्या है उसकी मदद की जानी चाहिए। अगला जुमला, वजाल फी है मिन अलफाइजीन लदैक, मेरे अल्लाह हमें कामयाब तरीन अफराद में करार देना जो तेरी बारगाह में क्या है कामयाब है। दुनिया वालों की नजर में कामयाबी हो सकता है अलग अलग उसूल हो, और हैं भी दुनिया वाले मसलन किसी को किस हिसाब से कामयाब समझते हो कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्लाह की नजर में कामयाबी का उसूल अलग है। अल्लाह की बारगाह में कामयाबी और कामरानी का जो है वो क्या है मेयार अलग है। अल्लाह जो है वो किसी को कामयाब उस वक्त समझता है जब वो उसका मुती और फरमा बरदार हो, ठीक है। फायजीन के लिए वो लोग के जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब, उनके सिलसिले में कुरान ने बहुत सारी बातें की हैं, रवायात में भी बहुत सारी बातें जो है वो मौजूद है, किन वसाइल से किन जो है वो अमाल से अल्लाह की बारगाह में बंदा जो है वो क्या है कामयाब हो सकता है। जाहिर से बात की उसका महल नहीं है। इसी तरह तवक्कुल के सिलसिले में कुरान और अहादीस में बहुत सारी बातें मौजूद हैं। हम शर्मिंदा हैं कि आयात कुरानी और जो है वो बहुत ज़्यादा हदीसों से इस्तफादा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि ताकि गुफ्तगू बहुत तूलानी ना हो जाए, इसलिए कि आज जो है वो किसी में इतना तहम्मुल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तूलानी गुफ्तगू को सुन सके। हो फायजीन के सिलसिले में एक आखिरी बात सुन लीजिए कि फायजीन कामयाब लोग वो हैं अल्लाह के बारगाह में कि जो अल्लाह की तरफ से हर अम्र पर राजी हैं, और अल्लाह उनसे क्या है पूरी तरीके से राजी है। वो कौन है? वही फायजीन है, वही कामयाब लोग हैं। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह हमें क्या है, अल्लाहुम्मा जालनी फीहे मिन अलफायजीन लदैक, अपनी बारगाह में कामयाब तरीन लोगों में से करार देना। आखिरी जुमला, वजालनी मिन अलमुकर्रबीन इलैक, वजालनी मिन अलमुकर्रबीन इलैक, मेरे अल्लाह हमें आज जो है वो क्या है अपनी बारगाह में मुकर्रब और नज़दीक तरीन लोगों में करार देना। मासियत के बिना पर अल्लाह से इंसान क्या है दूर हो जाता है, मासियत के बिना पर अल्लाह से क्या है इंसान उसकी बारगाह से मुनहरिफ हो जाता है, बईद हो जाता है। जिस तरह से दुनिया वालों की नज़र में कामयाब होने कोई मतलब नहीं जब तक इंसान अल्लाह की निगाह में कामयाब ना हो, उसी तरीके से क्या है दुनिया वालों की नज़र में अच्छा होने से कोई मतलब नहीं है जब तक क्या है अल्लाह की नज़र में अच्छा ना हो। अल्लाह की निगाह में अगर कामयाब है तो फिर दुनिया वालों की निगाह में कामयाब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि यहां पार्टीबाजी है, अल्लाह के यहाँ पार्टीबाजी थोड़ी ना है। यहां मसलन जो है वो एक आदमी दूसरे आदमी को उठाने और गिराने पर लगा है, अल्लाह ये सब थोड़ी ना देखता है, अल्लाह ये सब नहीं देखता है। अल्लाह ये देखता है कि मसलन किसका अमल कैसा है, इसका काम कैसा है, किसका फ़ैल कैसा है, उस हिसाब से अल्लाह क्या है उसे कामयाबी देता है, उस हिसाब से अल्लाह क्या है उसे अपनी बारगाह से नज़दीक करता है। लिहाजा ये बात याद रखे कि बंदों के जो है वो मेयार अलग हैं कामयाबी के, खुदा के मेयार अलग हैं कामयाबी के। बंदों की निगाह में जो है वो तकर्रुब के पैमाने अलग हैं, अल्लाह की निगाह में तकर्रुब के पैमाने अलग हैं। हो सकता है दुनिया वालों की निगाह में आदमी कामयाब ना हो, लेकिन अल्लाह की निगाह में कामयाब हो। हो सकता है कि बंदा जो है वो दुनिया वालों की निगाह में ना पहुंचा हो, लेकिन अल्लाह की निगाह में क्या हो उसके बारगाह के नजदीक हो, उसके बारे उसके निगाह में खास उल खास हो, मुमकिन है, बहुत हद तक मुमकिन है। और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं तारीख में, ठीक है, जैसे दुनिया हकीर समझ रही थी वो अल्लाह की निगाह में वाकई जो क्या है मुकर्रब थे, मुअज़्ज़ज़ थे, फाइज थे, कामयाब थे।
ऐसे अमल हैं जिनसे जो है वो बंदा अल्लाह की बारगाह में तकर्रुब हासिल कर सकता है। अलबत्ता हमारे जितने अमाल हैं सब में जो है वो ये नियत ही है, वो मुस्तहब अमाल हों या वाजिब अमाल हों, सब में ये नियत की जाती है कि मैं इस अमल को कर रहा हूँ मसलन सुन्नत कुर्बतन लिल्लाह या वाजिब कुर्बतन लिल्लाह। कुर्बतन लिल्लाह कहते ही कहता आदमी, यहाँ पे अर्ज करते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह है, ठीक है, अल्लाह के सिवा नहीं बल्कि अल्लाह के लिए ही कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह से कुर्बत के लिए अमाल अंजाम दिए जाते हैं। और हर अमल वाजिब और हर अमल मुस्तहब में क्या है, यह नियत की जाती है। और नियत में यह फकरा जरूर है कहना कि कुर्बतन लिल्लाह, खुदा ये अमल अंजाम दे, कुर्बतन लिल्लाह तेरी कुर्बत के लिए, तेरे तकर्रुब के लिए, तुझसे नज़दीकी के लिए, तेरी बारगाह में क्या है करीब होने के लिए। तो खुलासा है कि हर अमल क्या है कुर्बत इलाही का जरिया है, लेकिन सबसे ज्यादा मुअस्सिर अगर कोई अमल अल्लाह की बारगाह में नज़दीकी के लिए है तो वो क्या है, अल्लाह का तकवा। इस सिलसिले में भी कुरान और रवायत में बातें मौजूद हैं। अल्लाह की बारगाह में क्या है, खौफ खाना, अल्लाह से डरना, मुहतात रहना, दीन और दुनिया दोनों के मामले में क्या मुहतात रहना। इसको फिर से सुनिए, इसको दोबारा इसलिए अर्ज कर रहे हैं, दीन और दुनिया दोनों मामले में क्या है इंसान मुहतात रहे। तकवा जो है वो क्या, ना दीन के मामले में हाथ से जाने पाए ना दुनिया के मामलात में। इसलिए कि दुनिया के मामले में आदमी क्या है वो शायद इतना नहीं समझ, जब खुदा की बारगाह में जाता है तो बहुत मुत्तकी हो जाता है, लेकिन जब दुनिया के मामले आता है तो वहां क्या है वो बैलेंस बरकरार नहीं कर पाता है, वो तवाजुन नहीं बन पाता दोनों तरफ, ऐसा जो है वो दुनियावी उमूर में भी मामलात वगैरह में और उखरवी मामलात में भी यानी इबादात वगैरह में क्या है, दोनों में क्या है इंसान मुतवाजिन रहे ताकि कुर्ब परवरदिगार हासिल हो सके। तकर्रुब परवरदिगार क्या है, दुनिया और आखिरत दोनों में तकवा और दोनों के मामले में एहतियात है। नहीं है कि साहब जो है वो मुसल्ले पाए तो सबसे बड़े जो है मसलन नमाजी और मोमिन है, उसके बाद जो है वो क्या है तो मुसल्ले से हटें तो जो है वो सबसे बड़े खुराफाती हैं, ऐसा नहीं है। मसलन जब जो है वो मुसल्ले पे आए तब भी और मसलन घर में रहें तब भी तकवा क्या है, हाथ से न जाने पाए, इंसान की निगाह जो है वो क्या है हमेशा खुदा की तरफ होनी चाहिए ताकि अल्लाह की बारगाह में उसे कुर्ब हासिल हो सके। ना ये कि जो है वो जब जो है वो मसला जो है वो इबादत का है तब जो है वो अपना तकवा दिखाए लेकिन उसके बाद जो है वो क्या है तब ये खुदा हाफिज़ कह दे। या ये कभी कभी इसका बरक्स भी होता है कि इंसान जो है वो क्या है खुदा को जो है वो दिखाने के लिए तो नहीं इतना, लेकिन जो बंदों को दिखाने के लिए ज़्यादा करता है ना, बंदों को जब दिखाना होता है तो बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बड़ा मुहतात, लेकिन जब बात खुदा की आती है तो क्या है वहाँ सोचता है कि यार जल्दी जल्दी, शायद वो ये भी सोचता हो कि यार खुदा तो माफ़ भी कर देगा एक बार, बंदे जो वो क्या पीछा नहीं छोड़ते हैं, है ना। ये भी मुमकिन है कि बंदा ये सोच के करता हो, हालांकि ये जो है वो मुनासिब बात नहीं है, ये मजाक में कह रहा हूँ कि बंदा ये सोच रहा हो शायद, क्योंकि बंदे नहीं छोड़ते हैं गलती पाते हैं किसी की, बाज़फ़र गलती नहीं होती तब भी जो है वो क्या है फिट कर देते हैं किसी के ऊपर, बंदा शायद इसलिए बंदों से ज़्यादा डरता है कि बंदे रियायत नहीं करते हैं, खुदा क्या है अरहमुर रहीमीन है, वो सोचता है कि साहब जो है वो खुदा तो दरगुजर कर ही देगा, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि जो है वो दोनों तरफ क्या है तवाज़ुन बना के चलना है, बैलेंस क्या है दोनों तरफ बना रहे दीन के उमूर में भी और दुनिया की उम्र में भी, ताकि जो है वो किसी तरह कोई मुश्किल ना हो। आखिरी जुमला और खत्म दुआ फरमाते हैं, बेहसानिका या गायतुत्तालिबीन, मेरे माबूद तेरे एहसान का वास्ता है, तेरे एहसान का वास्ता है मेरे अल्लाह,
कौन सा अल्लाह, या गायत अत्तालिबीन, वो खुदा के जो तलब करने वालों के, आरजू रखने वालों की इंतहाई क्या है, आखिरी उम्मीद है, इंतहाई मंजिल है, मकसूद आखिर क्या है, तलब करने वालों की तू ही है। तो तेरे एहसान का वास्ता के माबूद, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, मुस्तजाब फरमा। आइए आपकी खिदमत में आखिरी ये दो कलिमात कि इन दुआओं को जब भी पढ़ें तो ये सोच के पढ़ें कि मासूम अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात का मौका दिया है कि हम इन कलिमात के जरिए से, इन सेंटेंस के जरिए से, इन जुमलात के जरिए से, इन अल्फाज के जरिए से, इन दुआओं के जरिए से अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अल्लाह से गुफ्तगू करने में इंसान को मुहतात रहना चाहिए, वो अल्फाज ना कहे कि जो खुदा की शान अकदस के खिलाफ हो, वो अल्फाज ना अदा करे कि जो खुदा को पसंद ना आते हों, और उस मेयार पर दुआ करे कि जिस मेयार पर खुदा दुआओं को कबूल करता है। आइए बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ गो हैं, माबूद हमारी सब इबादत कबूल फरमा, हमारी सारी इबादतों को माह मुबारक रमज़ान में शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का, जिन लोगों ने भी दुआ की इल्तमास की, मेरे अल्लाह उनकी दुआओं कबूल फरमा, हमारे मरीजों को शिफा याब फरमा, मेरे अल्लाह हमारे मरहूमिन की मगफरत फरमा, उन्हें जवारे मासूम में जगह इनायत फरमा, हमारे वालदैन को जिंदा व सलामत रखना, हमारी औलाद को दीन और दुनिया के लिए मुफीद करार देना, अरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक और खुनकी करार देना, मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और आले मोहम्मद का, इमाम के दहूर में तौजील फरमा, हम सब को उनके मुखलिस आवान और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंत समी उल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाब रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। इन अल्लाह व मलाइकतहू يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.